हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर नरेश कुमारी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। जितना ये देखने में यम्मी लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी बहुत ही यम्मी है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। मैंने 1 kg गाजर ली है और उसको अच्छे से वॉश करके छील कर कद्दूकस कर लिया है। 1 कटोरी दूध, 250 ग्राम खोया है और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बादाम और काजू। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी और गैस को ऑन कर दिया है। 2 चम्मच मैंने घी लगाया है इसमें। घी को हम पहले गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट ढककर पकाएंगे। 10 मिनट ढककर पकाने के बाद हम चेक करेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और गाजर का सारा पानी सूख चुका है। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चीनी के इस मॉइस्चर में ही हमें इसे पकाना है। अब हम 10 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ। बस इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे और हमारा गाजर का हलवा फिर तैयार है। गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है और अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी गाजर के हलवा बनाने की रेसिपी? अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।